BMR means basal metabolic rate, इसका मतलब आपको इतनी एनर्जी चाहिए आपके शरीर को, आपके मसल्स को वापिस से रिकवर करने में, आपके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको मेंटेन करने में, उनको पूरा एक्टिव करने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम BMR कहते हैं। अब BMR निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपकी एज, वेट एंड हाइट पता होनी चाहिए कितनी है हमारी। उसके बाद आपको सारा डेटा पता होगा तो आप BMR निकाल सकते हैं। चलो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं वेट 70 kg, एज 25 ईयर, हाइट 5 फीट 10 इंच। ये डेटा मैंने एज्यूम कर लिया है कि वेट 70 kg, एज 25 ईयर, हाइट 5 फीट 10 इंच। ये जो डेटा मैंने एज्यूम करा है वेट 70 kg, इसमें वेट आपको अपने बॉडी वेट डालना है, एज आपको अपनी उम्र डालनी है, मैंने 25 से लिया है, आपकी जितनी भी उम्र होगी उतनी आपको डालनी है, हाइट मैंने लिया 5 फीट 10 इंच, आपकी जितनी हाइट होगी उतनी आपको इसमें हाइट डालनी है, और उसके बाद सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और आप अपने बॉडी के हिसाब से अपना BMR निकाल सकते हो और अपना डाइट प्लान बना सकते हो। 5 फीट 10 इंच मतलब 177.8 सेंटीमीटर, हमने फीट और इंच को कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर में। अब जो जानता है कि किस तरह से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं जानता उसको मैं बता दूं, एक फीट होता है 30.48 सेंटीमीटर, एक इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। अपनी हाइट को 5 फीट 10 इंच को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 5 फीट मतलब 5 × 30.48 इज इक्वल टू 152.4 सेंटीमीटर, 10 इंच इज इक्वल टू 10 × 2.54, एक इंच 2.54 के बराबर होता है, इसलिए हमने 2.54 को 10 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया 25.4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपकी जो टोटल वैल्यू होगी वो आपकी हाइट होगी। अब आपके पास वेट भी है 70 kg, एज भी है 25 ईयर्स और हाइट भी है 177.8 सेंटीमीटर। अब इस सारा डेटा को आपको क्या करना है, BMR कैलकुलेटर में डालना है और उसके बाद आपको BMR पता चल जाएगा। BMR निकालने के लिए गूगल पे सर्च करें BMR कैलकुलेटर, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे BMR कैलकुलेटर आएगा, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इसके बाद आपका BMR कैलकुलेटर खुल जाएगा जैसे कि आपके डिस्प्ले पे शो होगा। इसमें एज, जेंडर और हाइट होगा, आपको क्या करना है, एज इसमें डालनी है 25 जितनी हमने ली हुई है ईयर्स, जेंडर मेल या फीमेल, आप फीमेल हो तो फीमेल रखोगे, मेल हो तो मेल रखोगे, मैं मेल रखता हूँ। उसके बाद हम हाइट डालेंगे जितनी हमारी हाइट हमने एज्यूम करी हुई है, हम इस वक्त हाइट ले रहे हैं 177.8 सेंटीमीटर, यूनिट इसमें हमेशा सेंटीमीटर में होता है इसलिए हमने हाइट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करी थी। एज हो गया, हाइट होगी, अब हम क्या करेंगे, वेट डालेंगे, वेट हमने लिया था 70 kg, 70 यूनिट केजी, तो ये हमने डेटा सारा डाल लिया। अब एक बार हम इसको रीचेक कर लेंगे कि हमने डेटा कहीं गलत तो नहीं डाल दिया, एज 25, जेंडर मेल ओके, हाइट 177.8 सेंटीमीटर ठीक है, वेट 70 kg बिल्कुल सही है। डेटा डालने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट, ग्रीन कलर का बटन होगा, कैलकुलेट लिखा होगा, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आगे हमारी BMR वैल्यू 1691 कैलोरी पर डे, ये वो कैलोरी है जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, जब हम बेड पे सिर्फ सोए रहते हैं, जहाँ हमारी बॉडी कहीं रेस्ट पे है, कुछ भी काम नहीं करना, चलना तक नहीं है, सिर्फ लेटे लेटे नींद में हैं हम, तब इतनी कैलोरी हमारे शरीर को चाहिए होती है इस वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंग। BMR वैल्यू को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1691 जो हमारी BMR वैल्यू आई है उसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2536.5 कैलोरी पर डे, ये हमारी मेंटेन कैलोरी है। इस वेट पे, इस हाइट पे और इस एज पे हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं जब तक हम इतनी कैलोरी का इनटेक कर रहे हैं। 1.5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हम इस वक्त लीन मसल गेन कर रहे हैं, अगर हम फैट लॉस में होते तो हमें अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना था, अगर वर्क करते तो हमें डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना था। अब जब हम लीन मसल गेन करते हैं तब हमें क्या करना होता है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये मेंटेन कैलोरी है।